क्या कभी आपने सोचा है कि एक ऐसे देश को एक्सप्लोर करना कैसा होगा जहां पर बीचेस, रिवर्स, माउंटेन्स से लेकर बसलिंग सिटीज, कल्चर, नाइट लाइफ सब कुछ है। इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ का डिलिशियस कुजीन जो सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस के लिए ही नहीं वेजिटेरियंस के लिए भी उतना ही औसम है। तो थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं आज आपको वियतनाम ट्रिप से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर दो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद सलीम और स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक वर्ल्ड ट्रैवलर हूं और रिसेंटली मैंने अपनी फैमिली के साथ वियतनाम की 9 दिनों की ट्रिप की। मेरी ये ट्रिप वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स में से एक थी और इसी के बेसिस पर मैंने सोचा कि एक एवरेज इंडियन फैमिली जो कि अराउंड 4 लोगों की होती है उनके लिए एक कंप्लीट गाइडेड टूर बनाऊं जिसमें उन सारे सवालों का जवाब होगा जो ट्रैवल प्लान करने से पहले दिमाग में आते हैं, जैसे कि वियतनाम आखिर कैसे पहुंचा जा सकता है, क्या वहां के लिए वीजा फ्री है या वीजा ऑन अराइवल है, आखिर किस मंथ में वहां जाना चाहिए, समर्स में या फिर विंटर सही रहेगा, रहने के लिए होटल्स बेटर होते हैं या एयरबीएनबी से काम चल जाएगा, घूमने के लिए कहां जाना चाहिए, नॉर्थ बेटर है या फिर साउथ वियतनाम फेमस है, क्या वेजिटेरियंस के लिए भी वहां फूड के ऑप्शंस हैं या बस मैगी से ही काम चलाना पड़ेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट आखिर खर्चा कितना होगा इन सब में। अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ वियतनाम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब है कि आप एक ट्रैवल एंथुसियास्ट हैं, तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहूं। और अगर आपके मन में वियतनाम के ट्रिप से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट में हमें बताएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू रीच वियतनाम। सबसे पहले हम अपने ट्रिप का प्लान और बजट तैयार करें, और कहीं भी जाने से पहले खासकर वियतनाम जैसे यूनिक देश की बात करें तो उसकी प्लानिंग में बहुत चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, जैसे कि आखिर खर्चा कितना होगा इस ट्रिप पर। इस ट्रिप को प्लान करते वक्त मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसकी प्लानिंग कुछ इस तरह करूं कि एक एवरेज इंडियन फैमिली जो कि अराउंड 4 लोगों की होती है उनको आइटनरी से फायदा मिले। अगर आपकी फैमिली में 4 से ज्यादा या कम लोग हैं तो आप अकॉर्डिंगली बजट घटा या बढ़ा सकते हैं। शुरुआत करते हैं फ्लाइट टिकट। मैं दिल्ली से वियतनाम की कैपिटल हनोई गया तो मेरी आइटनरी भी उसी के अकॉर्डिंग है। अगर आप किसी और सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए अमाउंट थोड़ा सा डिफर कर सकता है। तो 4 मेंबर्स की टिकट की कॉस्ट 25 से 35,000 इंडियन रुपीस तक जा सकती है, मतलब पर पर्सन टिकट वन वे अराउंड 6,000 से 8,000 के बीच पड़ेगी। और रिटर्न टिकट यूजली महंगी होती है जो की अराउंड 12,000 से 15,000 पर टिकट जा सकती है। तो 4 मेंबर्स का टू एंड फ्रॉम का फ्लाइट बुकिंग का एक्सपेंस 90,000 से 1,00,000 तक आ सकता है। हाँ, सीजन का भी थोड़ा असर होता है इन टिकट्स पर। एक छोटी सी टिप, हमेशा अपनी ट्रिप 2 या 3 मंथ एडवांस में प्लान करें सो आप एयर फेयर में अपना बजट बचा सकते हैं। How to apply for visa? वियतनाम का वीजा प्रोसेस सिंपल है। अगर आप इंडिया से ट्रेवल कर रहे हैं तो वियतनाम जाने के लिए आप इजीली ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस फोटो और पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी एंड विद इन अ वीक आपको ई वीजा मिल जाएगा। इस ई वीजा की वैलिडिटी 30 डेज की होती है एंड द कॉस्ट इज अराउंड 2,200 to 2,400 इंडियन रुपीज पर पर्सन। तो टोटल कॉस्ट फॉर 4 मेंबर्स वुड बी 8,000 to 10,000 रुपीज। कुछ कंट्रीज के लिए वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि बेलारूस, कंबोडिया, डेनमार्क, जर्मनी एक्सेट्रा। एक और छोटी सी टिप, हमेशा गवर्नमेंट वेबसाइट से ही ई वीजा अप्लाई करें सो दैट आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो पाए। बेस्ट टाइम टू विजिट। यहाँ जाने के लिए बेस्ट टाइम है नवंबर से अप्रैल के बीच में, क्योंकि इस टाइम यहाँ का वेदर घूमने फिरने के लिए परफेक्ट होता है। इसीलिए इस टाइम पर बहुत से लोग वियतनाम को अपने ट्रिप के लिए चुनते हैं। और अगर आपका बजट थोड़ा कम भी है तो आप मई से अक्टूबर के बीच में ये ट्रिप प्लान कर सकते हैं, लेकिन अपना रेनकोट, रबर बूट्स और अम्ब्रेला अपने साथ रखना ना भूलिए क्योंकि अक्टूबर में यहाँ रेनी सीजन होता है। इस देश में जमकर बारिश होती है। इस टाइम आपको फ्लाइट से लेकर स्टे करने तक सब चीजों में अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं अकोमोडेशन पे। अगर आप मेरे वीडियोस पहले से ही देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि मुझे एयरबीएनबी कितना पसंद है। इसके लिए मैंने 2 रीजंस दिए हैं। पहला ये कि बजट फ्रेंडली होता है और दूसरा ये कि आपको घर की सेटिंग मिल जाती है अनलाइक होटल्स। यूजुअली आपको एक एयरबीएनबी के लिए 2,000 से 10,000 रुपए के अराउंड पे करना पड़ेगा पर डे का। मैं भी हनोई में एयरबीएनबी में ही रुका था। मेरे एयरबीएनबी हनोई के ओल्ड क्वार्टर में था जिसमें मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़िया था। अगेन एक छोटी सी टिप, आप किसी भी शहर में जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि उस शहर के सेंटर में ही रुकें क्योंकि वहां सभी जगह की दूर
दूरी आपके लिए बराबर पड़ेगी और अपने ट्रिप को ऐसे प्लान करें जिसमें आपको उल्टी तरफ ना जाना पड़े। नेक्स्ट, वेयर टू गो। वियतनाम में कई फेमस सिटीज हैं जहां आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट दो सिटीज ऐसी हैं जहां टूरिस्ट सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, हनोई एंड होचिमिन सिटी, जिसे साइगोन के नाम से भी जाना जाता है। हनोई लगभग 1000 सालों से वियतनाम की कैपिटल है और राजधानी होने के साथ साथ ये यहाँ की कल्चरल सेंटर भी है। यहाँ मैं कई जगह घूमा, जैसे ओपरा हाउस, ओल्ड क्वार्टर, हॉन किम लेक। यहाँ की स्ट्रीट्स बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस देती हैं। और भी बहुत सी प्लेसेस हैं हनोई में जहाँ आप विजिट कर सकते हैं, जैसे कि सेंट जोसेफ कैथेड्रल। ये एक चर्च है जो वियतनाम की हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। द वियतनाम नेशनल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री, ये बिल्डिंग एक टाइम में आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेंच स्कूल हुआ करती थी। यहाँ की टिकट प्राइस 20,000 वियतनामी डोंग के करीब है, जो 70 रुपए के बराबर है। हुआ लोग प्रिजन रेलिक, ये फ्रेंच कॉलोनिस्ट यूज किया करते थे पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए। यहाँ की टिकट प्राइस है 30,000 वियतनामी डोंग, जो कि है 100 रुपए के करीब। कुछ ऐसे प्लेसेस एंड एक्सपीरियंस भी हैं जहां आप जरूर जाना चाहेंगे, जैसे कि निन भिन में अमेजिंग बोट राइड एंड हेलोंग बे में 7 लाख साल पुरानी केव का एक्सपीरियंस और कायाकिंग। निन भिन की बात करें तो हनोई से निन भिन जाने के लिए कैब आपको 1,38,000 वियतनामी डोंग लगेंगे, जो की करीब 4,500 रुपए के बराबर है। इसके अलावा आप अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो पर टिकट आपका खर्चा पड़ेगा अराउंड 500 से 700 रुपए। निन भिन में आप सिंपली एक दिन टूर पैकेज ले सकते हैं, जिसमें पर पर्सन की कॉस्ट 3,000 से 5,000 पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन द स्कीम एंड कैटेगरी। इसमें आपको काफी सारी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिल जाती हैं। तो 4 पर्सन के हिसाब से कॉस्ट बढ़कर हो जाती है 12,000 INR टू 20,000 INR, बट इस पैकेज के लिए आपको एक पूरा दिन देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास टाइम थोड़ा क्रंच है तो आप बस बोटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया। निन भिन में और भी बहुत सी जगहें हैं जहां पर आप चाहें तो वहां भी जाने का प्लान कर सकते हैं, जैसे कि मुआ केव, ट्रांग एंड बोट टूर, कुक फोंग नेशनल पार्क। अब बात करते हैं हलोंग बे की। ये नॉर्थ ईस्ट वियतनाम में लोकेटेड है, साथ ही साथ ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। हलोंग बे यहाँ के सुंदर पहाड़ों को और मिस्टीरियस केव्स के लिए फेमस है। आप अगेन एक टूर पैकेज ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 2,000 से 2,500 रुपए तक खर्चना पड़ सकता है। इसके अलावा मैंने कायाकिंग भी करी, जिसके मुझे अराउंड 500 रुपीस खर्चने पड़े। इन सब के अलावा आप दुनिया का लार्जेस्ट नेचुरल केव भी जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए, जिसका नाम है हांग सोन डोंग केव। टाइम की कमी की वजह से मैं वहां नहीं जा पाया, बट अगर मुझे एक बार फिर कभी मौका मिला तो मैं यहां जरूर जाऊंगा। फेमस कूची टनल विजिट करने के लिए मैंने 36 घंटे की लंबी ट्रेन जर्नी कर हनोई से साइगोन, जिसे होचिमिन सिटी भी कहा जाता है, आ गया था। इस ट्रेन में फर्स्ट क्लास में टिकट बुक करने के लिए मैंने पर पर्सन करीब 3700 रुपीस खर्च किए। आप यहां के टिकट काउंटर से भी टिकट ले सकते हैं और ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। यहां पर कूची टनल विजिट करने के लिए पैकेज आपको 1500 से 2500 तक पड़ेगा और प्राइसेस में आपको ग्रुप के अकॉर्डिंग चेंजेस भी आ सकते हैं। इसके बाद मैं आ गया था मेकोंग डेल्टा, जहां पर मैंने इन छोटी छोटी बोट्स में बैठकर बोटिंग की। यहां जाते हुए रास्ते में हमने विन ट्रांग पगोड़ा विजिट किया। मैंने पूरा दिन पैकेज बुक किया था VIP टूर्स नाम की एजेंसी के थ्रू, जिसके लिए मुझे अराउंड 2500 रुपीस खर्च करने पड़े और इसमें फूड भी इंक्लूडेड था। द फूड, हम चाहे किसी भी कंट्री या छोटी से छोटी स्टेट में क्यों ना जाएं, हमारे ट्रैवल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है फूड। फूड के मामले में वियतनाम एक पैराडाइज ही है। तो चलिए अब हम आपको हनोई और साइगोन के इन दोनों फूड पर चर्चा करते हैं। साइगोन को वियतनाम की फूड कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ खाने की काफी सारी वैरायटीज मिल जाएंगी। हनोई भी खाने के मामले में साइगोन से किसी भी तरह कम नहीं है। यहाँ बहुत सारे स्ट्रीट फूड का लुत्फ आप उठा सकते हैं। वियतनाम की नेशनल डिश फो को भी आप टेस्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ की एग कॉफी है, जो आपको जरूर जरूर से ट्राई करनी चाहिए। खाने के मामले में मुझे ये दोनों जगह बढ़िया लगी। यहाँ आप कुछ अनकॉमन फ्रूट भी खा सकते हैं, जैसे कि डुरेन, स्टार एप्पल, रामबुटान एंड मोंगोस्टीन एक्सेट्रा। हालांकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज नॉन वेजिटेरियन एंड सी फूड के लिए भी फेमस होती हैं, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि वियतनाम में बस नॉन वेज फूड ही अवेलेबल है, तो आपका सोचना थोड़ा सा गलत है। यहाँ वेजिटेरियन फूड की भी बहुत सारी वैरायटीज हैं। यहाँ पर बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस रहा है, जिसमें लोग वेजिटेरियनिज्म और एसेटिक लिविंग पर एम्फेसिस करते हैं। चलिए मैं आपको कुछ डिशेस बताता हूँ जो आपको यहाँ इजीली मिल सकती है। सोई शोय, इसमें इन
इंग्रेडिएंट्स राइस होता है। यहाँ के लोग कई तरह के वेजिटेबल्स के साथ या मीट के साथ भी इसे खा सकते हैं। ये आपको 30 से 50 रुपए के बीच में मिल जाएगा। बान मी चाय, ये यहाँ की फेमस स्नैक बान मी के वेज वर्जन है। ये एक फ्रेंच स्टाइल का बगेट सैंडविच है। इसमें आप नॉन वेज की जगह टोफू और वेजीज भी डलवा सकते हैं। बान खोई थे छेन, ये डीप फ्राइड पोटेटो केक है जो मुझे इंडिया में मिलने वाले फेमस स्नैक्स टिक्की की तरह लगे। तो चलिए अब क्विकली रिकैप करते हैं फाइनल अमाउंट के बारे में। फ्लाइट का एक्सपेंस 4 लोगों के लिए 1,00,000 का होगा। वीजा के लिए आपको पे करना पड़ेगा अराउंड 10,000। अकोमोडेशन के लिए एयरबीएनबी एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन होता है जिसका एवरेज एक्सपेंस 2,000 से 10,000 होता है जो वेरी कर सकता है लोकेशन पर। यहां घूमने फिरने के लिए पर पर्सन का एक्सपेंस 1,500 से 2,000 होगा, तो 4 मेंबर्स की फैमिली के लिए अकॉर्डिंगली 6,000 से 8,000 तक हो सकता है। फूड एंड ड्रिंक्स की बात करें तो पर पर्सन के हिसाब से डेली फूड का एक्सपेंस 1,000 से 1,500 रुपए के बीच पड़ेगा और 4 मेंबर्स की फैमिली के लिए अकॉर्डिंगली ये बढ़कर 4,000 से 6,000 INR तक जा सकता है। कंक्लूजन, तो अब 4 लोगों के 10 दिन के वियतनाम ट्रिप की टोटल कॉस्ट वुड बी समथिंग बिटवीन 2,00,000 से 2,20,000 तक। इसमें फ्लाइट बुकिंग, स्टे, फूड, लोकल ट्रैवल, थर्ड पार्टी एजेंसी बुकिंग चार्जेस एक्सेट्रा इंक्लूडेड है। ध्यान रखिए ये बजट लोकेशन एंड सीजन के हिसाब से वेरी कर सकता है, तो ये कम या ज्यादा भी हो सकता है। वियतनाम में एक्सप्लोर करने के लिए काफी कुछ है। सीनिक व्यूज, एडवेंचर, फूड, लोकल साइट सीइंग, नाइट लाइफ और सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसे ट्रैवल डेस्टिनेशन का मजा जो आपको शायद किसी और कंट्री में ना मिले जो बजट फ्रेंडली भी है। तो उम्मीद करता हूँ आपके वियतनाम ट्रिप में ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और ऐसे ही कॉन्टेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।